तो आज मैं आप सबके साथ फुचका की रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं फुचका कैसे बनाती हूँ। अगर आप भी इस तरीके से बनाओगे ना तो फर्स्ट टाइम में ही आपका फुचका परफेक्ट बनेगा और क्रंची भी बनेगा। तो आज मैं सबसे पहले फुचका का आलू कर लेती हूँ रेडी। तो इसके लिए मैं यहाँ 4 उबला हुआ आलू ली, इसे मैश कर ली। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ मिर्च हरी और थोड़ा सा धनिया पत्ता। ये सब डालने के बाद हम डालेंगे आधा नींबू नॉर्मल वाला और थोड़ा सा गंधोराज डालेंगे। इसे कोलकाता में गंधोराज बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। थोड़ा सा इमली और थोड़ा सा उबला हुआ मटर। ये सब डालने के बाद अब हम डालेंगे नमक और ये थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद ये है जीरा भुना हुआ और थोड़ा सा काला नमक। ये सब डालने के बाद हम अच्छे से कर लेंगे इन सबको मिक्स। बस हो गया हमारा फुचका का आलू रेडी। तो इसे रख ले अब साइड में। अब हम बनाएंगे फुचका का पानी। तो फुचका का पानी बनाने के लिए हम यहाँ 1 गिलास पानी का यूज़ कर रहे हैं। आप अपने अनुसार यूज़ कीजिएगा, तो आपको जितना ज़रूरत हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नॉर्मल वाला नमक डालेंगे, फिर काला नमक डालेंगे, उसके बाद ये भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और फिर ये थोड़ा सा चाट मसाला गया। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ताकि तीखा तीखा पानी बने। और ये है पुदीना और धनिया पत्ते की चटनी और ये गया इमली। तो इन सब को डालने के बाद हम करेंगे अच्छे से इन सब को कर लेंगे मिक्स। आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं। तो पानी में हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया है। तो थोड़ा सा हम इसमें कटी हुई धनिया पत्ता डाल देते हैं और आधा नींबू और थोड़ा सा गंधोराज भी डाल देते हैं ताकि उससे पानी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए पानी में। तो बस इसे डालने के बाद, नींबू डालने छोड़ने के बाद, मैं इसी में छोड़ दूँगी ताकि एकदम अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो अब ये पानी बन के रेडी हो गया है, तो अब हम इसे कर देते हैं साइड। अब हम करते हैं फुचका की तैयारी। तो फुचका के लिए यहाँ मैं 1 कप गेहूँ का आटा ले रही हूँ और उसी कप से 2 कप सूजी ले रही हूँ। तो इन सब को लेने के बाद मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ और मैं इसे गूंदूँगी गर्म पानी में, ठीक है। तो गर्म पानी थोड़ा थोड़ा इसे गूंदने के लिए थोड़ा थोड़ा यूज़ कीजिएगा, एक ही बार में मत डाल दीजिएगा, उससे हो जाएगा आटा गीला। तो इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा यूज कीजिए। और हाँ, जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, तो उससे थोड़ा ये टाइट लगाना है, उससे लूज़ नहीं और रोटी जैसा नहीं, उससे टाइट चाहिए। तो यहाँ पे फुचका आपका बहुत परफेक्ट बनेगा। और हाँ, 1-2 फुचका तो फुचके वाले भैया और अंकल जो लगाते हैं ठेले पे, उनका भी कुछ कुछ फुचका तो चिपटा बन ही जाता है और वो उसे पापड़ी चाट के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो हम लोग का भी अगर वैसा कुछ हुआ 1-2, तो उसमें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, उतना होता है, सबसे होता है। तो किसी का भी उतना परफेक्ट नहीं बनता, तो हम लोग भी उसे कौन सा वेस्ट करने देंगे। तो उसे भी हम लोग पापड़ी चाट बना के खा लेंगे। तो बस ये गर्म था इसलिए मैं चम्मच से इसे मिक्स कर रही थी, तो अब ये ठंडा हो चुका है तो मैं इसे अब हाथों से कर रही हूँ। तो बस इसे मिक्स करने के बाद आप इसे 30 मिनट के लिए इसे गीले कपड़े से ढक के रख दीजिएगा। तो आफ्टर 30 मिनट मैं आ गई हूँ फुचका बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम जैसे पूड़ी के लिए उसकी लोई लगाते हैं ना, उसी तरह से हमें यहाँ चाकू के हेल्प से इसे थोड़ा छोटा छोटा कट कर लेना है। जैसे आपको अगर बड़ा फुचका बनाना है, आप बड़े भी बना सकते हो, छोटा बनाना है छोटा भी कट कर सकते हो। मैं यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए, ठीक है। तो इतना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा फुचका बेल के दिखाऊँगी, तो इसीलिए मैं बस 2-3 ही दिखाऊंगी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा आटा छिड़क रही हूँ ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो मैं यहाँ बस फुचका को बेल लेती हूँ और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और मोटा भी नहीं, मीडियम बेलना है, ठीक है, देख सकते हो वहाँ पे। तो बस इस तरह से बेलना है। और फिर मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैं फुचका ना मस्टर्ड ऑयल में, सरसों का तेल में मैं इसे तलूँगी, क्योंकि ऐसे तो रिफाइंड ऑयल में तला जाता है और उसमें अच्छा भी होता है, बट कुछ जो फुचका खाएंगे, मतलब कुछ लोग जो फुचका खाएंगे उन्हें प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है।
तो आपकी मर्ज़ी, आप जिसमें भी कर लो। तो देखिए हमारा फुचका कितना फूला फूला हो रहा है, वाह। तो फिर बस ये फुचका हो गया है रेडी। तो बस इसी तरह से मैं दोबारा भी तल लूँगी फुचका को। तो अगर आप भी इसी तरह फुचका बनाओगे ना, और पहली बार में ही बनाओगे ना, तो पहली बार में गारंटी है कि परफेक्ट फुचका बनाएगा। और यहाँ एक फुचका हमें दे दिया है धोखा, तो तीन फुचका तो फूल गया है, एक नहीं फूला है। तो कोई बात नहीं, इसे हम ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, इसका तो पापड़ी बना के खा ही जाएंगे। तो बस देखिए इस तरह से हमारा फुचका फूल चुका है। तो बस ये हमारा फुचका हो गया है रेडी। तो अब हम चलते हैं इसकी टेस्टिंग करने के लिए। तो फुचका का ठेला यहाँ लग, नहीं ठेला नहीं, यहाँ टेबल लगा है, फुचका का टेबल लगा। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ फुचका को। या देखिए कितना क्रंची बना है ना, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मतलब और देख सकते हैं। तो आप अगर आप ही इस तरीके से बनाओगे ना, तो फर्स्ट टाइम में आपका फुचका बहुत परफेक्ट बनेगा, ठीक है। और एक दो अगर चिपटा हो भी गया ना, तो कोई बात नहीं यार, उसको पापड़ी चाट बना के खा लेना, उतना चलता है। तो अगर आप भी इसी तरीके से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करके जाइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।